Welcome guys. So in our today's lecture, we are going to solve a question from your book, S.C. Sarma. And this question was sent by a student. It's a question number 2A. And I will read the question. This question is basically for the journal entries, but I want to solve the questions, all these things like we prepare relation, accounts, partners, loan, partners, capital, bank. So we will solve all this question. Clear? But because the question demand is journal entries, so I will see it too. So here's the question. Raman and Richa were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 7:3. On 31st March 2019, the balance sheet of the firm were as follows. Capital 7 lakh of the Raman, Richa ka 3 lakh, sundry creditors 1 lakh 75. Overall sum liability side ka 11 lakh 75 thousand. Now asset side, land and building 7 lakh 50 thousand, furniture 1 lakh 20 thousand, debtors 1 lakh 32 thousand, stock 1 lakh 3 thousand, cash 70 thousand. Overall sum also 11 lakh 75 thousand. Now the firm was dissolved on 1st April 2019. And the asset and liabilities were settled as follows. Ab kuch adjustments, adjustment kitni? 5 adjustment hai. The first one, land and building was taken over by the Raman at a depreciation of 10% for cash. Okay, land and building kisne le li? Raman ne, jo ki partner hai, well acha hai. Creditors of 1,25,000 took over by asset and debtors in full settlement of their claim. 1,25,000 rupees ke creditors ne stock aur debtors se settle kar liya. Pata hai na, iske liye koi entry pass nahi hogi. अब पहले चेक करो पार्शियल पेमेंट हुआ या फुल पेमेंट. क्रेडिटर है 1,75,000 के और 1,25,000 के ही क्रेडिटर सेटल है, मतलब पार्शियल अभी 50,000 पेमेंट करना रेस्ट है. चलिए थर्ड एडजस्टमेंट देखिए. रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड बाय रीचा. लो भाई हो गया, रिमेनिंग जो बचे उसको किसने पे कर दिया? रीचा ने. चलो हो गया अपना काम. फर्नीचर रिलाइज रुपीज 5,000 लेस देन द बुक वैल्यू, वेल सही है. एक्सपेंसिस ऑफ रिलेशन वर रुपीज 400, चलो ये भी ठीक है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म. चलो भाई पहले तो मैं तुम्हें शो करता हूँ कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. शॉर्ट फॉर्म में देखो, मेरे स्टेप्स को फॉलो करो, ईजिली हम क्वेश्चन को कितने जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे ये देखो. देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो मैंने बताया कि पहले भाई रिलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. चलो जरा देखो रिलाइजेशन अकाउंट. Let's see the realization account. First of all, we transfer asset. यही बताया था ना कल जनरल एंट्री में. सुनो, ट्रांसफर करते हैं assets को. अब मैं अगर assets की बात करूं तो एक assets है land and building, है ना? Okay. और कौन कौन सी assets हैं? बेटा फर्नीचर है, डेटर है, स्टॉक, चार assets हैं. ठीक है, सबको ट्रांसफर कर लेते हैं. फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक. लो भाई चारों असेट ट्रांसफर है, इनके बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं. 7,50,000, 1,20,000, 1,32,000, 1,03,000. ओके, 7,50,000, 1,20,000, 1,32,000, 1,03,000. लो भाई सारे असेट ट्रांसफर हुए, उनकी वैल्यूज भी हमने लिख ली. ठीक है ना? ओके, नाउ असेट ट्रांसफर के बाद क्या ट्रांसफर करते हैं? लाइबिलिटीज. तो लाइबिलिटीज में एक ही लाइबिलिटी है, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,75,000. Let's start the questions with their adjustment. पहली adjustment, क्योंकि ये हो गया है. अब क्या करेंगे? Asset realize करेंगे, asset को sold करेंगे. पहला चीज है land and building were taken by the Raman at 10% discount. Simply बेटा अगर Raman ने लिया है तो cash नहीं मिल रहा है, तो by Raman's capital account. By Raman's capital account. हो गया ना? अब देखो Raman ने लिया 7,50,000 को 10% discount पे. 7,50,000 का 10% 75,000. 7,50,000 माइनस 75,000 कितना हो जाएगा? 6,75,000.
क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, अब जो हमारे डेटर्स और स्टॉक हैं, इनको तो हमने दे दिया है सेटलमेंट करने के लिए, और फर्नीचर, फर्नीचर रिलाइज हुआ है 5000 लेस देन द बुक वैल्यू पे। तो अब क्या बाय कैश अकाउंट किसका? फर्नीचर का सोल्ड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? ओके, फर्नीचर का सोल्ड कर दिया, कितना मिला बेटा? 1,15,000 रिसीव हो गया। चलो ये कंप्लीट हुआ, सारे असेट सोल्ड हो गए। अब क्या? अब लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। एक ही लायबिलिटी है, उसका भी क्या इन दोनों से सेटलमेंट हो गया। जो सेटलमेंट होता है उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होती, पहले था। इन दोनों से 1,25,000 के क्रेडिटर सेटल किए गए, तो कितना बचा पार्शियल? 50,000। 1,75,000 में से 1,25,000 सेटल, 50,000 बचा। उसको कौन सेटल कर रहा है? उसको रीचा पे कर रही है। सो भाई रीचार्ज कैपिटल अकाउंट, चलो भाई कितना रीचा ने पे किया होगा? 50,000 पे किया होगा। द लास्ट थिंग इज रियलाइजेशन एक्सपेंस 400 है, ये तो पे करना पड़ेगा ना कैश में। चलो जब कुछ नहीं मेंशन है, दैट्स मीन वो कैश में पे हुआ है बेटा, कोई अलग केस मत समझ लेना उसको। हाउ मच? 400। नाउ नाउ वी डू द थिंग्स लाइक वी क्लोजिंग द अकाउंट्स। नाउ अब हम इस अकाउंट को क्लोज करें तो क्या है, देखते हैं कौन सी साइड का सम ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, देखने से लग रहा है कि इस साइड तो सम एक्सेस ही है, तो क्या करेंगे? सिंपली हम इस साइड का सम कर लेते हैं। इस साइड का क्या करेंगे बेटा? पर सम कर लेंगे। चलो भाई सम करते देखते हैं। या इट्स अ 400, ओके 5, ओके 7, 10, 15, 1 कैरी 11, 11,55,400। अब बेटा रफ वर्क करना चाहे तो कर लेते हैं, बाकी ये सब के लिए भी। तो 617,18,19, 9,65,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9,65,000। रफ वर्क करना चाहे तो क्या करेंगे? सिंपल है, 11,55,400 में से 9,65,000 हमने क्या कर लिया? लेस कर लिया। ये हो गया 400 बेटा अपना, जीरोस, ये हो गया 9,190,000। अब देखो इस साइड, डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर है, डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर है, दैट्स मीन बिजनेस सफरिंग फ्रॉम लॉस। तो क्या बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, अब किसको किसको ट्रांसफर होगा? रमन्स कैपिटल और रीचा कैपिटल। लो भाई इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे। लॉस कितने का आ रहा है दोनों का करने पे? 1,90,400। और कैसे होगा बेटा? ये होगा, ये अमाउंट बचेगा 7:3 के फॉर्म में। 7:3 वाई, ये ओल्ड रेशियो है, गिवन है। तो क्या ठीक है, 1,90,400 × 7/10 करोगे, क्या करोगे? 7/10। तो आई हैव ऑलरेडी डन इट, यर है 1,33,280 और रिचार्ज कितना रहा है? 57,120 आ रहा है। चलो भाई अपना काम कंप्लीट, रिलेशन अकाउंट कंप्लीट, ठीक, अपना काम कंप्लीट, रिलेशन अकाउंट कंप्लीट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, और क्या देखने चल रहे हैं? रिलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेट्स सी अब। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम एंट्रीज पास करेंगे, लेकिन आप जरा देखते चलो मुझे कि मैं कैसे कर रहा हूं इस वर्क को। हम एंट्रीज करेंगे, उसके लिए वरी मत करना तुम सब, बस देखो कि कैसे सर इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सी अब, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉर्ड बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,00,000, 3,00,000 किसका है? रमन का। और ये किसका है? रीचा का। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं?
कोई रिजर्व या फंड हो तो उसको डिस्प्यूट करते हैं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। रिजर्व फंड, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, कोई सरप्लस नहीं, ओके, कोई फिक्टिशियस एसेट, कोई नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, चेक द रिलाइजेशन अकाउंट, लेट्स सी, चेक करते हैं ये साइड में कहीं है, यस, एक बार रीचा का कैपिटल है। अब ये देखो ये डेबिट साइड है तो रिकॉर्ड होगा तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ओके क्या आएगा भाई, बाई रियलाइजेशन अकाउंट और रीचा का कैपिटल, तो रीचा वाले में जाएगा, कितना जाएगा, 50,000। ओके इज नाउ लेट्स सी हियर, ओ रमन्स कैपिटल कहां है, क्रेडिट साइड में, इधर कहां आएगा, डेबिट में आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब रमन की कैपिटल में जाएगा तो रमन की कैपिटल कितने में, कितना शो कर रहा है, 6,75,000। ओके इज नाउ आगे बढ़ो, और कोई है, यस yes. अब वो जो लॉस था वो ट्रांसफर हुआ है दोनों की कैपिटल में और दोनों ही यहां पर क्रेडिट साइड में है, इट गोज टू द डेबिट साइड हियर, सो सिंपली वी शो हियर रियलाइजेशन अकाउंट लॉस जो है बेटा इन लोगों का कितना कितना है, 1,33,280 और इनका है 57,120। ओके ये रहा अपना, तो रियलाइजेशन अकाउंट चेक कर ले, ये चीजें हो गई। फाइनली व्हाट, सिंपली अब हम ये देखेंगे बेटा कि कितना अमाउंट फाइनल सेटलमेंट में कौन कितना रिसीव कर रहा है और कौन कितना पे करेगा, तो लेट्स सी एंड सम हियर। दैट साइड इज 3,50,000, ये लेसर है तो भाई सम तो इधर ही वाला होगा, अब देखो रीचा की कैपिटल है 3,50,000, फाइनल सेटलमेंट में 57,120 का लॉस है, रेस्ट अमाउंट क्या होगा, रीचा रिसीव करेगी फॉर्म से, सो टू कैश अकाउंट लेस कर लेते हैं बेटा, अगर मैं लेस कर उसको सही सही तो ये हो रहा है 880 और नाउ 08 2, इट्स अ 2,92,880 दैट विल बी रिसीव्ड बाय द रीचा। सो नाउ रमन का देखते हैं, 7,00,000 इधर की कैपिटल है बट ये मोर देन साइड है, दैट्स मीन रमन को क्या हो रहा है, रमन तो पे करेंगे अमाउंट 808, इट्स अ 8,08,000, क्लियर है, कितना हो रहा है 8,08,000, सम कर देते हैं 8,280 आ रहा है। ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश पे करना पड़ेगा रमन को, कितना पे करेगा भाई, 1,08,280, दैट्स ऑल, ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल। अब एक छोटा सा बैंक अकाउंट मैं आपको शो कर देता हूँ, सॉरी कैश अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी हम फंडा बता चुके हैं, लेट्स सी, सबसे पहले कैश का बैलेंस शो करते हैं, यही ना, कैश का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है डेबिट साइड में चुकी है, क्यों है डेबिट साइड में सबको पता है, असेट साइड में बैलेंस गिवन है तो डेबिट साइड ही होगा। कैश का बैलेंस कितना था भाई क्वेश्चन में, कैश का बैलेंस क्वेश्चन में था 70,000 का, कितने का है बेटा लोग, 70,000। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन के रिलाइजेशन में कैश कहीं आया है, यस डेबिट साइड भी एक बार आया है, पास होगा यहां पे क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन करके, अमाउंट कितना है 400। ओके इस साइड आते हैं कैश, या कैश फर्नीचर का 1,15,000, वहां क्रेडिट है तो यहां पर कहां पास होगा, डेबिट साइड, हाउ मच, इट्स 1,15,000। सो नाउ नो, अब कहीं कैश रिसीव नहीं हुआ है, ना ही कोई पेमेंट हुआ है, ये तो एंड ऑफ द रिलेशन हमने जो चेक कर लिया। नाउ वी चेक द पार्टनर्स कैपिटल, इज देयर इन कैश, यस कैश इन अ क्रेडिट साइड 1,08,280, अगर क्रेडिट में है तो कहाँ रिसीव होगा, यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं सेम डेबिट में, टू रियलाइजेशन, सॉरी ये पार्टनर्स कैपिटल से ट्रांसफर हो रहा है, किसके पार्टनर्स से, रमन, टू रमन्स कैपिटल 1,08,280। Let's see the opposite side. Yeah, there is also a cash account 2,92,880.
एंड इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम रिचार्ज कैपिटल. ओके 2,92,880. ओके दैट्स ऑल. सो नाउ लेट्स सी द सम ऑफ दैट अकाउंट. इट विल बी इक्वल, क्योंकि अगर ये इक्वल है तभी हमारा आंसर सही है. सो नाउ लेट्स सी हियर, इट्स अ 280 392 280 392. ओ वाओ, वी सॉल्व द क्वेश्चन. अब जनरल एंट्री की बात करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, जनरल एंट्री भी देख लो, क्योंकि जनरल एंट्री का क्वेश्चन सर वो तो आपने किया नहीं. फर्स्ट थिंग लेट्स सी, फर्स्ट थिंग पहली एंट्री इसके लिए बनेगी. फर्स्ट एंट्री व्हाट, मैं जनरल एंट्री नहीं पास कर रहा हूं, बोल रहा हूं रैंडम का लेना बेटा. लो रियलाइजेशन अकाउंट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट किस साइड, डेबिट साइड में. ओके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू फर्नीचर टू डेटर्स टू स्टॉक अमाउंट्स ये हो जाएगा. पहली एंट्री क्लियर है ट्रांसफर ऑफ असेट की. दूसरी एंट्री लेट्स सी, ये रही दूसरी एंट्री इनकी, मैं मेंशन कर रहा हूं. अब ये क्रेडिट साइड में ओके संडी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,75,000 दैट्स ऑल खत्म. अब क्या होगा, अब होगा ट्रांसफर ऑफ असेट. अब होगा क्या, ट्रांसफर ऑफ असेट. ठीक है, अगर मैं ट्रांसफर ऑफ असेट की बात करने चल रहा हूं तो देखो एक असेट को रमन ने ले लिया था और एक कैश में, तो दोनों के लिए हम चाहे तो एक बार में एंट्री पास कर लें चाहे तो सेपरेटली पास कर लें. ठीक है, चलो देख लो. रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,75,000 और वहीं पे अगर कैश भी इंक्लूड करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. चाहो तो दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हो, तो ये एंट्री हमारी थर्ड हो जाएगी. रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,75,000 कैश अकाउंट डेबिट 1,15,000 टू रियलाइजेशन. थर्ड एंट्री क्लियर है. नाउ पेमेंट के लिए अब ये वाला, क्योंकि पता है कि सेटलमेंट वाले के लिए कोई एंट्री नहीं, तो रीचा वाला एक एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीचा कैपिटल और टू कैश भी इंक्लूड कर सकते हो. 50,000 क्रेडिटर के लिए 400 ये कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो, सेपरेट भी पास कर सकते हो, इट इज ऑन योर विश. ये चार एंट्रीज पास हुई. फाइनली रियलाइजेशन के लॉस की वो एंट्री पास कर लेंगे. ये पांच एंट्री हो गई, ये पांच एंट्री हो गई. क्लियर है, ठीक है. तो अब बात करते हैं, अब क्या बचा. देखो भाई बैलेंस के लिए कोई एंट्री तो पास करनी नहीं, ठीक है. अब तो क्या सब कुछ हो गया, अभी कुछ बचा है. हाँ बचा है, क्या बचा है वो देखते हैं बेटा. देखो ये सब तो रियलाइजेशन से ट्रांसफर हो गया इसके लिए नहीं, लेकिन ये जो दो कैश की एंट्री हैं इसके लिए एंट्री पास होगी. अब अगर मैं इसको देखूँ तो क्या है, ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में है. अगर मैं एंट्री पास करूँ तो क्या पास करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका कैपिटल, टू रमन्स कैपिटल अमाउंट ये रहेगा. तो ये आपके लिए कौन सी एंट्री है, ये आपके लिए बेटा छठी एंट्री है, सिक्स्थ एंट्री. और एक एंट्री इसके लिए बेटा आप पास कर लोगे, क्या, रीचा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,92,800. ये रहा फाइनली आपकी सारी एंट्रीज हो गई. तो ये आपके सात एंट्री में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका, और ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर था. मैंने एक एक चीज आपको समझाई. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट यू मे आस्क मी आल्सो अगेन. सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल.